हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिसिस किंजल पंचल, आई एम अ टीचर इन जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फोर्थ, लिसन केयरफुली। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट योर रिवीजन, ओके, इंग्लिश ग्रामर रिवीजन। स्टूडेंट्स, मैं आपको फोर्थ स्टैंडर्ड में हो आप लोग, सो मैं आपको टेंस के बारे में, किसके बारे में, टेंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। टेंस, व्हाट इज द टेंस, यानी आपको टेंस सीखना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आपको टेंस अच्छी तरह से आते हैं तो आपको इंग्लिश अच्छी तरह से आता है, समझ लो। टेंस सीखना आपके लिए मस्ट है, ज़रूरी है। अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो टेंस आपकी नीड रहेगी, ओके। उसमें फर्स्ट कौन सा था, प्रेजेंट टेंस। उसमें भी फर्स्ट प्रेजेंट टेंस है, उसमें भी फर्स्ट कौन सा है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके, द सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। प्रेजेंट टेंस उसमें भी फर्स्ट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब आपको एकदम सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब क्या, सब पता है बच्चों। एक तो ये कि जो टेंस होते हैं वो तीन तरीके के ही होते हैं टेंस, या तो प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, या तो फ्यूचर होता है, उस तरीके से टेंस होता है। क्योंकि वैसे भी काल तीन ही है, भविष्यकाल, वर्तमान काल, भूतकाल, है ना। तो हमको तीन तरीके के टेंस, पर उसमें भी अलग अलग तरीके के आते, तीन है उसके अंदर भी तीन अलग अलग होते हैं। उसमें हम आज आपको मैं आपसे प्रेजेंट टेंस, उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब क्या सर, कि आपकी जो हैबिट होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है, आपकी हैबिट होती है। फिर जो रेगुलर आपकी एक्शंस होती है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है, ओके। फिर जो फैक्ट्स और ट्रूथ होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है, ओके। जो जनरल फैक्ट्स होते हैं ना, ओके, जैसे ताजमहल है तो वो है, सन राइज होता है वो ईस्ट में ही राइज होता है, सेट ईस्ट में, वेस्ट में सेट होता है, तो वो जो है वो फैक्ट है, उसको हम बदल नहीं सकते। जो फैक्ट ट्रूथ है जिसको हम बदल नहीं सकते, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, ओके। जैसे कि देखो इसमें एग्जांपल है, शुगर टेस्ट इज स्वीट। अब शुगर का टेस्ट जो होता है वो स्वीट ही होता है, ना मीठा होता है, ना शॉर होता है, कुछ भी होता है, ओके। शुगर स्वीटी होती, मीठी होती शुगर, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ फटाफट लिख रही हूँ तो आपको सिर्फ समझना है, ओके। ये रिवीजन है टेंस का, क्योंकि टेंस जरूरी है, फिफ्थ स्टैंडर्ड में भी आपको ही हेल्प फुल होगा, ओके। सो प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, शुगर टेस्ट जो होता है स्वीट होता है, तो वो बोले फैक्ट, सनराइज का था वो फैक्ट है, ओके। जैसे दूसरा है, सो हैबिट्स के लिए चलो, द बॉयज लिखते, चलो बॉयज गो टू स्कूल एवरी डे लिखो, या तो डेली भी लिख सकते हो, ओके, डेली या तो रेगुलरली भी लिख सकते हो, रेगुलरली भी लिख सकते हो, वॉट एवर, ओके। तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का पता चल गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो हमें एक हैबिट्स दिखाने के लिए भी यूज होता है, जो हमारी रेगुलर हैबिट्स है, स्कूल जाने का, हर रोज स्कूल जाना वो हैबिट हो गई है, ओके। ये रेगुलर एक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर रोज की ये क्रिया है, हर रोज रेगुलर वो एक्शन होती है स्कूल जाना, जब तक छुट्टी नहीं आती तब तक स्कूल जाना ही है, ओके। और हैबिट जो होती है वो, और फिर दूसरा ट्रूथ और फैक्ट्स जो होते हैं उसको शो करने के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, ओके। दूसरा ये, अब ये याद रखो,
जैसे यहाँ प्ले लिखो, यहाँ प्लेस, प्ले और प्ले, ये क्या है वर्ब है, ये क्या है वर्ब, ये एरो किया है, एरो वर्ब है, ओके। अब ये प्ले जो है, वी यू प्ले दे, फिर प्लूरल जो वर्ब होता है ना, प्लूरल वर्ड्स, तब यू से प्ले कर। और ये ही शी इट, फिर सिंगुलर नेम, सिंगुलर या तो नेम, नाउन, नाउन के साथ प्लेस यूज होता है, ओके। तो ये इतना ध्यान रखना है, बस ये समझने के लिए इजी है, ओके। चलो नेक्स्ट, सेकंड हम सीखेंगे द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ओके, द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ओके। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैसी होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी हम बोलते ना तब वो जो आपकी जो एक्शन होती, क्रिया होती, वो कंटिन्यू होती है, तब वो दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे, ओके। यानी जब आप बोल रहे होते, ओके, तब वो काम जो होता है वो चलता होता है, कंटिन्यू होता है, ओके। हाँ, अब इसके लिए हम फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, ओके। फॉर्मूला कैसे होता है, सब्जेक्ट होता है, सॉरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की एस यू बी मतलब सब्जेक्ट, ओके। फिर इज, एम, आर यूज करेंगे, प्लस वर्ब, और वर्ब को क्या लगाना है, आई एन जी प्लस अदर वर्ड्स, वर्ड्स, ओके, अदर वर्ड्स, ओके, एकदम इजी है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस वर्ब, वर्ब को क्या लगाना है हमें, आई एन जी लगाना है, अदर वर्ड्स, ओके। अदर वर्ड्स ना भी हो, ओके, अदर वर्ड्स ना भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे प्रेजेंट यानी अभी होता है, जैसे आप बोलते हो तब एक के मैं कंप्यूटर का यूज कर रहा हूँ, ओके, या तो वो कंप्यूटर, सी इज यूजिंग कंप्यूटर, ओके, सी इज यूजिंग कंप्यूटर, यानी हम बोलते तब वो कंप्यूटर यूज कर रही होती है, ओके। आप अभी स्टडी कर लेते हैं, यू आर स्टडिंग वाई आई जी, ओके, स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, ओके, स्टडिंग, फिर दूसरा है आप समझो, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग, जब आप बोल रहे तभी यू आर डूइंग, यानी जब आप बोल रहे तब वो काम जो हो रहा होता है, ओके, तो उसको बताने के लिए द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ओके। चलो इसी तरह देखो, जैसे मैं लंच कर रही हूँ, आई एम, आप को यार, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, ओके। वो ये एग्जाम्पल है इजीली अंडरस्टूड होने के लिए, ओके। यानी जब आप बोल रहे हो तभी आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज कर रहे हैं, कि जैसे मैं बोलती हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट, चालू कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट, I am to starting. चलो अब है थर्ड, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट में पर वो परफेक्ट हो जाता है, ओके, यानी जो काम अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, ओके। जैसे उसमें कैसा होता है कि कोई एक्शन सब भी कंप्लीट हुई, जस्ट कंप्लीट ही हुई, आपका जो काम होता है वो अभी कंप्लीट हुआ है, तो वो बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करें। दूसरा ये कि वो कोई भी एक्शन जो होती है वो पास्ट में होती है तो उसका रिजल्ट हमको अभी मिलता है। कोई एक्शन, कोई क्रिया हमने पास्ट में किया था काम और उसका रिजल्ट अभी अभी हमें को मिलता है, तब वो दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका फॉर्मूला कैसा है, हैज हैव है प्लस पास्ट पास्ट पार्टिसिपेंट, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब्स, ओके, यानी जैसे ईट, ईट का क्या होगा, ईट एट ईटन, ईटन ऐसे, ओके। फिर आएगा जैसे रिंग रैन, इसमें एट आता है, ए टी एट, चलिए तो इसको, ये वाला जो थर्ड फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, ओके। ये थर्ड वाला जो है इसी तरह लिखाओ, फियर वॉर वॉर, ओके। तो ये आपकी जो है थर्ड वाला फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल, तो हमें इसमें ये वाला जो थर्ड वाला है वो यूज़ करना है, ओके बच्चों, ये थर्ड वाले जो है वो हमें यूज़ करना है, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई हैव ईटन, आई हैव रन, आई हैव वॉट, यानी मेरे लिए यूज़ किया, दैट्स व्हाई, ओके, मैं आई का यूज़ कर रही हूँ, ओके। आपको तो एग्जांपल मिलेगी, अब एग्जांपल है ये, मैंने सिर्फ प्रेजेंट टेंस के तीन जो है वो ही एक्सप्लेन आज करूँगी, ओके। तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो एग्जाम्पल है, जैसे आई हैव, आई के साथ हैव ही आता है, वी हैव, यू हैव, ओके, दे हैव, बाकी सबके साथ एस, आई हैव डू डन, थर्ड फ्रॉम डन, आई हैव डन माय होमवर्क, एच डब्ल्यू होम, चलो ये क्या पूछोगे, क्या लिखा, ओके, होमवर्क, आई हैव डन माय होमवर्क। फिर सेकंड है सी हैज, सी के साथ हैज, सी हैज फिनिश्ड, फिनिश का फिनिश्ड फिनिश्ड ही होगा, ओके, फिनिश, कोई कोई वर्ड्स इरेगुलर होता है जिसका वही का वही होता है, ओके, सी हैज फिनिश्ड, सी हैज फिनिश्ड हर लंच, यानी उसने अपना लंच जस्ट अभी कंप्लीट किया होगा, इसलिए सी हैज फिनिश्ड हर लंच, ओके, यानी जस्ट अभी ही पूरा करते हैं काम, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, ओके, समझ में आ गया बच्चों। ये थे एग्जांपल, ये तीन ही थे आपके जो थे वो प्रेजेंट टेंस के, द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। सो आपको समझ में आ गया होगा तीनों के तीनों, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो आई स्टार्ट न्यू, ओके, कुछ नया सिखाऊंगी, नया रिपीट करूंगी, नया कुछ हो उसका रिवीजन करेंगे, ओके, या एक ही साथ तीनों के तीनों टेंस पढ़ लिए हमने, ओके। सो बाय, घर पर प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतना आपको जल्दी से आएगा, ओके, चलो बाय।